गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज एज फॉलोज। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फिश कैन मूव ऑन देयर ओन। ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ये स्वयं अपने आप इंटरनल फोर्स के द्वारा, अपने इंटरनल फोर्स के द्वारा मूव कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। ह्यूमन बींग्स कैन वॉक, रन एंड जंप विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ह्यूमन बींग्स रन भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं और जंप भी कर सकते हैं अपनी लेग्स की हेल्प से। एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट्स, शीप, काउ, कैट्स एक्सेट्रा आल्सो वॉक एंड रन विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। जो एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर, एलिफेंट, ये वॉक एंड रन भी कर सकते हैं अपनी लेग्स के द्वारा, इनमें लेग्स होती हैं मूविंग के लिए। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एज वेल एज सम इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। कुछ जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स मोस्टली अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई कर सकती हैं। फ्रॉग्स हॉप, वेयर एज ए स्नेल एंड एन अर्थवर्म ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो फ्रॉग होते हैं वो अपने, देखिए, हॉप कर सकते हैं, उछल कर जा सकते हैं, जबकि स्नेल जो होते हैं और अर्थवर्म वो क्या करते हैं, ट्रैवल करके जा सकते हैं, रैन कर जा सकते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पर। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पर नहीं जा सकते, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन शो मूवमेंट। लेकिन जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो मूवमेंट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मिमोसा प्लांट लीव्स क्लोज व्हेन टच्ड। एक मिमोसा प्लांट जो होता है उसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, छुई मुई का पौधा भी कह सकते हैं हिंदी में कहते हैं। वो टच करने पर उसकी लिप्स कैसी हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। वो मूवमेंट शो करता है, रेस्पॉन्स होता देता है वो टच करने पर, जो मिमोसा वाला प्लांट होता है। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक पेन, बुक्स एंड टॉयज डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे पेन, बुक्स, टॉयज, ये स्वयं अपनी इंटरनल फोर्स से अपनी मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। दे ओनली मूव व्हेन समवन मूव्स देम। वे केवल तभी मूव करती हैं जब उनको कोई दूसरा मूव्स कराता है, उनको चलाता है, ठीक है ना, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर उनको मूव कराने में हेल्प करता है दूसरा एक्सटर्नल फोर्स। डज योर टेडी बियर मूव बाय इटसेल्फ, यस और नो? क्या आपका जो टेडी बियर है जिससे आप खेलते हैं, वो अपने आप स्वयं मूव कर सकता है, यस और नो? तो इसका आंसर आएगा नो। ओके, सेकेंड फीचर है इसका लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप। लिविंग थिंग्स जो होती हैं ग्रो करती हैं और वो डेवलप भी करती हैं, ठीक है ना, इंक्रीज इन साइज बढ़ता है उनका बॉडी। विद टाइम ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, दे चेंज देयर शेप एंड साइज वाइल ग्रोइंग। यानी टाइम के साथ साथ जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, ग्रो मीन्स इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ती हैं वो। दे चेंज देयर शेप एंड साइज वाइल ग्रोइंग। जब वो ग्रोइंग करती हैं यानी बढ़ती हैं, तो उनका साइज और शेप चेंज होता रहता है उसके टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए सीड ग्रोज इन टू ए बेबी प्लांट विच कंटिन्यूज टू ग्रो इन टू ए प्लांट। देखिए, सीड पहले, जब सीड को बरीड करते हैं सॉइल के अंदर, तो वो ग्रो करने के बाद उसके बाद क्या बनता है, उससे बेबी प्लांट, और बेबी प्लांट से आगे क्या होता है, कंटिन्यूस उसमें एक प्लांट बन जाता है, ठीक है ना, बिग प्लांट। ए डकलिंग हैचेज आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज इन टू ए डक। जो डकलिंग होता है यानी डक का बच्चा होता है, वो एक एग से बाहर आता है हच होने के बाद, उसके बाद ग्रोज इन टू ए डक, और उसके बाद वो धीरे धीरे टाइम जितना जब टाइम बढ़ता है उसी के हिसाब से वो एक एडल्ट डक यानी बड़ी डक के रूप में आ जाता है, उससे डेवलप होता है उनका। ए पपी ग्रोज इन टू ए डॉग एंड ए लैम इन टू ए सी। जो पप्पी होते हैं यानी पिल्ले होते हैं, बच्चे होते हैं,
डॉग के वो किस में बदल जाते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है और डॉग बन जाते हैं। और इसी तरीके से एक लैम्ब जो होता है, शिप का बच्चा होता है, मेमना जो होता है वो क्या होता है, एक शिप बन जाता है आगे जाकर, ठीक है नहीं, शिप बन जाता है। उसमें कुछ समय के बाद डेवलप होकर के उनकी बॉडी के शेप और साइज दोनों चेंज हो जाते हैं। ए बेबी ग्रोज इंटू ए चाइल्ड एंड देन बिकम्स एन एडल्ट। एक बेबी चाइल्ड के रूप में ग्रोज होता है, जो ह्यूमन बींग्स का बच्चा होता है, बेबी होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, एज बढ़ती रहती है, उसी के हिसाब से वो एक एडल्ट पर्सन बन जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं, दे डू नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज विद टाइम, और उनके जो शेप और साइज हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी नहीं होते हैं, ठीक है न। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो आपके पास चेयर है, आपकी जो बुक है, क्या ये साइज़ के टाइम के अकॉर्डिंग इसका साइज़ चेंज होता है? नहीं ना, ना शेप चेंज होती है और ना साइज़ चेंज होता है, ठीक है। डज योर टेबल और चेयर चेंज इट्स शेप और साइज, शेप और साइज, क्या आपकी टेबल या चेयर टाइम के अकॉर्डिंग शेप और साइज चेंज होते हैं इसके, यस और नो? तो इसका आंसर आएगा नो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।